नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की जरूरत ना हो या जो पैसे कमाना ना चाहता हो। आज के युग में धन की सबसे बड़ा धर्म बन चुका है और इसे पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कई बार इनके प्रयासों के। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन माता लक्ष्मी को वे भगवान विष्णु को याद करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। माता लक्ष्मी स्वयं अपना आशीर्वाद सदा ही उसके ऊपर बनाकर रखती है। माता लक्ष्मी को प्रतिदिन याद करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि नरक से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। बाद भी धन नहीं मिल पाता है या फिर आता हुआ धन भी रुक जाता है या फिर आय के स्रोत ही बंद हो जाते हैं या फिर पैसे आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं। कई लोग धन से संबंधित ऐसी समस्याओं से घिरे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन भी मिलता है जिसकी मदद से आप धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करके समृद्ध बनने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है। इनमें चावल यानी कि अक्षत का बहुत ही मुख्य स्थान है। अक्षत का अर्थ है जो टूटा हुआ ना हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत ही चढ़ाया जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए अक्षत यानी कि चावल के कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देंगे या फिर मनचाहा पैसा कमाने का आपका जो सपना है उसे पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी शुभ दिन या फिर जिस दिन भी आप ये उपाय करना चाहते हैं उस दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले और इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो या फिर उनकी तस्वीर हो, उनके सामने एक आसन बिछा करके बैठ जाएं और अक्षत यानी कि चावल के 21 दानों को हल्दी में थोड़ा सा जल मिला करके उन्हें दानों को पीला कर ले, पीले रंग से रंग ले यानी कि हल्दी के रंग से रंग ले। और इस बात का ध्यान रखें कि इनमें से एक भी दाना खंडित ना हो यानी कि टूटा फूटा ना हो। अब आपको क्या करना है कि आपको अब एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेकर आना है, चाहे वो रूमाल हो या कुछ साधारण सा कपड़ा हो, लेकिन लाल रंग का होना चाहिए। हो सके तो रेशमी लाएं, अन्यथा किसी भी प्रकार का लाल रंग का कपड़ा लें और उसके अंदर जो आपने चावल पीले किए हैं, चावल के जो 21 दाने आपने हल्दी में रंग करके पीले कर लिए हैं, उन्हें चावल इस पोटली पर, इस पर लाल रंग के कपड़े पर रख करके एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को माँ लक्ष्मी के सामने रख करके विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन करें। विधि पूर्वक पूजन करने का मतलब है दोस्तों कि माता लक्ष्मी के सामने आप एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद माता लक्ष्मी के समक्ष कुछ आरती, भेंट या उनके भजन गाएं। पूजन के बाद आप पोटली को अपने घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहां पर रख दें या फिर आप अपनी तिजोरी में रख दें या फिर जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। इस उपाय से आपके धन संबंधी